नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS SSC नोट्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के मॉक टेस्ट की। तो दोस्तों, आप अपने हाथ में ले लीजिए पेन और कॉपी। और क्या करेंगे आप, मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस दूंगा आप अपने कॉपी में उसका राइट आंसर पहले आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं अगर आपका आंसर सही होता है तो अपने आपको एक नंबर ऐड कर लीजिएगा। एंड आपने जितने भी नंबर अटेम्प्ट किए होंगे आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आपको अगर जिस वर्ड में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा हर क्वेश्चन को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? तो आपको मिक्स एलिमेंट्स बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट्स है जो मिक्स होके बना हुआ है किसी चीज से। तो आपके ऑप्शन है लोहा, सोना, स्टेनलेस स्टील या तांबा, कॉपर। ठीक है, तांबा का मतलब कॉपर। तो अपना सही ऑप्शन आप मार्क कर लीजिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है किससे मिलकर बनता है? लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की एसआई इकाई है। तो एसआई इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट और क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी? तो आप सही ऑप्शन अपना मार्क कर लीजिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो मीटर स्क्वायर होता है वे एरिया की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट देखिए, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो एंगस्ट्रॉम क्या मेजर करता है? तो क्या होगा, द्रव्य की मात्रा, प्रकाश तरंगों की लंबाई, केबलों की लंबाई, जहाजों की लंबाई। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो और प्रकाश तरंगों, तरंगे मतलब वेव्स, वेव्स ठीक है, वेव्स लेंथ, केबलों की लंबाई, जहाजों की चाल। तो क्या करता है, अपना सही ऑप्शन आप मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंगों की चाल। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या करता है, वेवलेंथ नापता है। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ को नापता है। नेक्स्ट देखिए, एक कंघी का कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का कारण है। जब हम एक कंघी होती है, ठीक है, कॉम्ब होता है, ठीक है, वो किसी कागज के टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसका क्या रीजन होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है घर्षण जनित बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल या स्थिर वैद्युतीय बल। तो इसका सही आंसर आप मार्क कर लीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युतीय बल, स्टैटिक्स एनर्जी। ठीक है, स्टैटिक्स एनर्जी कहते हैं इसको। ठीक है, स्टैटिक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, बल को मापा जा सकता है। तो बल को यानी फोर्स जो होता है वे मेजरमेंट किसमें करते हैं फोर्स का? तो स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरी मीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना सही ऑप्शन मार्क कर लो। स्प्रिंग तुला का क्या मतलब होता है? जो स्प्रिंग से स्केलिंग, ठीक है, जो स्प्रिंग की स्केलिंग होती है उसका यूज कहाँ से होता है या किस पे होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है ऑटोट्रॉफ, ठीक है, हेटरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट या पैरासाइट। तो आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? आप अपना सही ऑप्शंस अपने कॉपी में मार्क कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री है? द्विबीजपत्री का मतलब होता है डाइकोट। ठीक है,
इसको डाइकोट कहते हैं। तो इनमें से कौन सा डाइकोट है तो बताइए आप, घास, मकई, आम या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो अपना सही ऑप्शन आप लगा लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आम। जो मैंगो होता है वे क्या होता है, डाइकोट होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, डाइकोट में होती है, ठीक है। देखेंगे तो उसकी पत्ती कैसी होती है, जालेदार भी होती है। नेक्स्ट देखिए, एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो एकल कोशा का मतलब होता है सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल वाले प्राणियों को क्लासिफाई, ठीक है, वर्गीकृत मतलब क्लासिफाई किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑर्थोपोड के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोआ के रूप में और मोलस्क के रूप में। तो आप अपना सही आंसर आप लगा लीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केले के पौधे की जड़ होती है, तो केले के पौधे की जो जड़ मतलब रूट होती है वे कैसी होती है, आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। तो अपना सही ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपस्थानिक मूल। तो इसका क्या मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडवेंटिटस रूट, ठीक है, एडवेंटिटस रूट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक दबा दीजिए और आगे के वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।